नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि स्टेडियम में नया बजट 2,62,00,000 रुपए स्विमिंग पूल की मरम्मत के लिए आया हुआ है। खिलाड़ियों द्वारा संगठन से शिकायत की गई कि पिछले वर्ष ही 1,00,00,000 रुपया स्विमिंग पूल की मरम्मत में खर्च हुआ है और इस बार फिर 2,62,00,000 रुपए इसकी मरम्मत के नाम पर खर्च हो रहा है, जबकि इस वर्ष COVID-19 की वजह से कोई प्रतियोगिता हुई ही नहीं, फिर भी टाइल्स कैसे टूट गए और इसके मरम्मत की आवश्यकता क्यों पड़ गई। महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने बताया कि आम जनता के पैसों का स्टेडियम में बंदरबाट नहीं होने देंगे, लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत भी करेंगे। पिछले साल की मरम्मत की जांच होनी चाहिए और इस बजट से सक्षम अधिकारी की निगरानी में कार्य कराने हेतु मांग की गई। महिला मोर्चा की अध्यक्ष एवं महानगर महामंत्री दीपक द्विवेदी ने कहा कि बरेली में तैराकी के लिए नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों के हिसाब से स्विमिंग पूल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य हो। इस मौके पर मुख्यतः रामकृष्ण शुक्ला, दीपक द्विवेदी, राशि पारासरी, राघवेंद्र वर्मा, अनिल राजपूत, उपासना पाठक, बिक्की पाल, राजेश कुमार, विष्णु शुक्ला, सोनू मौर्य, संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। बताइए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों की कुछ समस्याएं थी। जो स्पोर्ट स्टेडियम में स्विमिंग पूल है, वहाँ पर एक वर्ष पूर्व लगभग 1,00,00,000 रुपया स्विमिंग पूल में खर्च हुआ और उसके बाद 2,50,00,000 रुपया फिर खर्च होने को बजट आ गया है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि कोविड कार्यकाल में इस बीच ना तो कोई प्रतियोगिता वहाँ पर हुई, फिर 1,00,00,000 रुपया मरम्मत में जो खर्च हुआ, उसके बाद फिर 2,50,00,000 रुपया, आखिर किस मद में खर्च हो रहा है। ये आम जनता व्यापारी का पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए और सही जगह इसका उपयोग होना चाहिए। और अगर स्विमिंग पूल में 2,50,00,000 का बजट आया है तो सक्षम अधिकारी वहाँ उनकी मौजूदगी में ये कार्य हो, जिससे ये आम जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई व्यर्थ ना जाए और सही जगह लगे। और व्यापार मंडल चाहता है कि बरेली में तैराकी खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जाएं और इस स्तर का स्विमिंग पूल यहां पर बने, ऐसी हमारी मांग है। धन्यवाद। टीम सानू कैसा आश्वासन दिया आपको? उन्होंने देखिए आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करेंगे और अगर स्पोर्ट स्टेडियम में किसी प्रकार की धांधलेबाजी हुई है उसकी जाँच होगी। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जो बजट आया है सक्षम अधिकारी के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य होगा।